17 अक्टूबर से बदल जाएगी सूर्य की चाल। कन्या से तुला में रखेंगे कदम। नीच सूर्य की उच्च दृष्टि कैसा प्रभाव डालेगी। 12 राशियों पर देखिए सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य और कुंडली विशेषज्ञ आचार्य महेश शर्मा जी। धन्यवाद कविता। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। ग्रहों के राजा यानी कि सूर्यदेव इस 17 अक्टूबर से राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कन्या से तुला में प्रवेश करेंगे। और कहते हैं कि सूर्य जब जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव 12 राशियों पर पड़ता है, और अपने इसी राशि परिवर्तन में सूर्य नीच में हो जाएंगे। और ऐसे में सूर्य का नीच होना क्या अशुभ या फिर शुभ प्रभाव देता है, आपकी ज़िंदगी में क्या बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, जानेंगे हम महेश शर्मा जी से। लेकिन आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सूर्य की उपस्थिति हमारे ग्रह नक्षत्रों में कितनी बड़ी है, उनकी क्या भूमिका रहती है और उनका नीच होना कैसा प्रभाव देके जाता है। देखिए, सूर्य क्या है कि हर महीने राशि परिवर्तन करता है और एक राशि में एक माह तक रहते हैं, और सूर्य का राशि परिवर्तन जो होता है हर राशि पर इसका प्रभाव पड़ता है, देश दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और इस बार 17 अक्टूबर से 16 नवम्बर के बीच में जो ये रहेंगे, और इस दौरान बड़ी बड़ी घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि सूर्य का नीच का होना यानी कि सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा जैसे हमारे मन का कारक होता है, और सूर्य आत्मा का कारक होकर अगर नीच का होगा तो ये कुछ लोगों के लिए तो बड़ी परेशानी लेके आ सकता है, कुछ राशियों के लिए थोड़ी तनावपूर्ण स्थितियाँ रहेंगी। और जो हमारे अगर हम देखें सामाजिक दृष्टिकोण से जो स्थितियाँ बन रही हैं तो वो भी ये इतनी बेहतर इस समय नहीं रहेंगी, क्योंकि इससे में हम देखें तो मकर राशि में शनि चल रहा है और राहु की जो स्थिति है, राहु इस समय वृषभ राशि पे चल रहे हैं और शनि नीच का, शनि स्वराशि का होगा और सूर्य नीच का हो जाएगा, तो ये योग इतना बेहतर नहीं रहेगा। इस समय समाज में थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत होती रहेगी, कोई ना कोई आपराधिक घटना इस समय या बॉर्डर पर कोई तनातनी बढ़ सकती है एक महीने के लिए, तो सूर्य का नीच का होना सरकार को, सेनाओं को इस समय थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, और इस दौरान जहाँ चुनाव होंगे वहाँ पर भी इसका उठा पटक का असर नज़र आएगा। तो सूर्य का नीच होना हम कहते हैं कि एक माह के लिए सभी के लिए सावधानी बरतने वाला समय होगा, किसी बड़े परिवर्तन से इस समय बचना चाहिए, मेरी तो यही सलाह रहती है। और बाकी 12 राशियों के हिसाब से क्या कुछ ये आपके जीवन में देने वाला है, क्योंकि नीच का सूर्य का मतलब यही नहीं है कि नुकसान ही होगा जी, इसकी दृष्टि उच्च की भी पड़ रही है, तो नीच का सूर्य उच्च की दृष्टि से किन राशियों को क्या फायदे देगा ये भी आज आपको 12 राशियों के आधार पर जानकारियां देंगे। मैं जी अगर शुरुआत करें मेष राशि से। जी बिल्कुल, देखिए मेष राशि वालों के लिए अगर देखें तो मेष राशि से सप्तम भाव में सूर्य जा रहे हैं, और सप्तम भाव में सूर्य के जाने का मतलब ये हो गया है कि इनके वैवाहिक जीवन में कोई तनावपूर्ण स्थितियाँ, कार्य व्यवसाय में जो पार्टनरशिप का काम करते हैं, इस माह अपने पार्टनर के साथ रिलेशन खराब होना, किसी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति पैदा होना रह सकता है, थोड़ा सावधान रहिए। किसी नए कार्य की शुरुआत इस समय नहीं करनी चाहिए, खासकर पार्टनरशिप में, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। इस समय आपके अंदर क्रोध की अधिकता रह सकती है, उस चीज़ से बचना चाहिए। हालाँकि सूर्य की सप्तम दृष्टि लगन पर पड़ रही है तो ये आपके हम कहेंगे कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको ये करवाएगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा? वृषभ राशि वालों को थोड़ा इस समय सावधान रहना चाहिए, सेहत के दृष्टिकोण से खासकर सेहत का ध्यान रखना चाहिए। इस समय शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, खर्च की अधिकता रह सकती है, पिता के स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है या पिताजी के साथ कोई वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, थोड़ा सा सावधान रहकर चलेंगे तो आपके लिए इस समय बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए? देखिए मिथुन राशि वालों को संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी सी चिंता रह सकती है, आपको अपनी संतान की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, या पंचम भाव में सूर्य की स्थिति कई बार पेट संबंधी कोई तकलीफ बढ़ा सकती है, आंतों में कोई इन्फेक्शन इस समय बढ़ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, बाकी कोई बड़ी चिंता वाली ऐसी बात नहीं है आपके लिए। और एकादश भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है वो लाभ का संकेत दे रही है, यानी कि आपको धन लाभ भी हो सकता है या विदेशों से लाभ के योग भी आपको इस माह के दौरान कोई प्रपोजल मिल सकता है जो कि आने वाले समय में बड़ा फायदेमंद साबित होगा। नीच सूर्य की उच्च दृष्टि कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?
देखिए कर्क राशि वालों के चतुर्थ भाव में योग बनता है, तो माता से व्यर्थ के वाद विवाद ना करें और उनका सम्मान करें। और दूसरी बात यह है कि इस समय गले छाती की तकलीफ, कफ कोल्ड की समस्या से कर्क राशि वालों को गुजरना पड़ सकता है। घर परिवार में कोई वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, घरेलू कलह से आपको इस समय बचना होगा। वाणी पर संयम बरतेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इस समय आप कोई नया वाहन खरीदने से भी आपको बचना चाहिए। इस समय किसी शुभ योग में ही डील करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए काम कारोबार की स्थिति बहुत ही उत्तम है, क्योंकि वहाँ दशम भाव पर उच्च दृष्टि पड़ रही है। काम कारोबार बहुत अच्छा रहेगा, आर्थिक पक्ष इनका मजबूत रहेगा और उच्च अधिकारियों से या आपके सीनियर से आपको बड़ा फायदा मिलेगा, एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। तो काम कारोबार के दृष्टिकोण से कर्क राशि वाले छा जाने वाले हैं इस समय। सिंह के तो स्वामी ही सूर्य है, उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए सिंह राशि वालों के लिए क्या योग बनेंगे, राशि का स्वामी नीच का होता है, तो पूरे महीने आप अपने आप को उत्साहित से हम कहेंगे कि उत्साह की कमी महसूस करेंगे अपने अंदर आप। हालांकि सिंह राशि वाले बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इस माह आपको कुछ गिरावट, थकावट महसूस होगी, आपके अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी। तो अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है। कुछ कामों में रुकावटें भी आएंगी तो आपका मन नहीं लगेगा किसी काम में, उस चीज़ से आपको बचना चाहिए, नेगेटिव होने से बचना चाहिए, मेन बात यह है। और आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, मित्रों से वाद विवाद इस समय आपको टाल देने चाहिए। हालांकि भाग्य आपका अच्छा साथ देगा, भाग्य के बल पर कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, धर्म कर्म में रुचि भी आपकी बढ़ी रहेगी। अब जो कि कन्या से ही निकल रहे हैं तो उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए कन्या राशि वालों के लिए ये 12वें घर के स्वामी बन जाते हैं और सेकेंड हाउस में जा रहे हैं, तो कन्या राशि वालों को वाणी पर संयम रखना चाहिए। इस समय धन हानि हो सकती है, कार्य व्यवसाय में भी इस समय सामान्य लाभ होगा, कोई बहुत बड़े लाभ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। किसी को पैसा उधार देने से बचें। हालांकि इस समय आपकी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इसके अलावा कोई और ऐसी बड़ी परेशानी नहीं रहने वाली है। आदित्य स्रोत का पाठ करेंगे और तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। तुला में प्रवेश कर रहे हैं तो तुला राशि वालों के लिए खासतौर पर, देखिए तुला राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं तो इसका बड़ा ज़बरदस्त असर रहेगा। तुला राशि वालों को इस समय थोड़ा मानसिक तनाव उनके ऊपर हावी रह सकता है, क्रोध की अधिकता रह सकती है। हालांकि ये योग इनके वैवाहिक जीवन के लिए, इनके जीवन साथी के लिए बहुत अच्छा है, किसी तरह की कोई परेशानी इस समय इनको नहीं आने वाली है। कुल मिलाकर ये समय तुला राशि वालों के लिए देखें तो बिजनेस व्यवसाय के लिए भी अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको दो चीज़ करनी है, आपको अहम की भावना से बचना है, क्रोध की अधिकता से बचना है और वाणी पर संयम बरतना आपको चाहिए, थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि वालों के इस समय ये आपके काम कारोबार के लिए, इस समय नौकरी परिवर्तन के लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है अचानक से 15-20 दिन के लिए, या आपका कहीं ट्रांसफर भी हो सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं जी। और अगर आपके कुंडली में 6-8-12 भाव की दशा चल रही है तो आपको निश्चित रूप से बाहर जाना पड़ेगा, आपका ट्रांसफर हो सकता है। और इस समय खर्च की अधिकता आपकी रहती हुई नज़र आ रही है। हालांकि काम कारोबार में भी आपका मन इस समय थोड़ा कम लगेगा, मन आपका भटक सकता है, तो अपने मन को भटकाने से आपको बचना है। सूर्य को जल चढ़ाने से आपको शुभ फलों की वृद्धि होगी। मैं जी धनु के लिए कैसा रहेगा? धनु राशि वालों के लिए ये योग जो है वो, अगर हम कहें कि लाभ स्थान में पड़ रहे हैं तो लाभ स्थान में कोई भी ग्रह होता है तो वो लाभ ही देगा, तो लाभ तो आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन बड़े भाई के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए, बड़े भाई के साथ वाद विवाद से बचना चाहिए। संतान सुख की प्राप्ति इस माह आपको हो सकती है, दूसरा संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है, संतान का इस समय रिश्ता तय हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये न्यूज आपके लिए रहेगी, ये राशिफल आपका रहेगा। मकर के लिए बताइए। मकर राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो इस समय इनको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, किसी भी इस सूर्य के गोचर के दौरान, क्योंकि सूर्य आपका अष्टमेश है तो सेहत संबंधी कोई परेशानी मकर राशि वालों को बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं भाग्य में भी रुकावट रहेगी, पिताजी के साथ मनमुटाव रह सकता है। तो मकर राशि वाला थोड़ा सावधानी बरत कर चलें और रविवार के दिन गुड़ का दान करेंगे, 1.25 किलो गुड़ हर रविवार को दान करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए? कुंभ राशि वालों अगर हम जातकों की बात करें तो ये योग आपके लिए एक अच्छा रहने वाला है, काम कारोबार की स्थिति अच्छी रहेगी, भाग्य भी साथ देगा, सुख साधनों में वृद्धि होगी, जीवन साथी की भी इस समय तरक्की होती हुई नजर आ रही है। जाते जाते मीन राशि। मीन राशि वालों को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य रहेंगे और अष्टम भाव में सूर्य कभी भी अच्छे नहीं माने जाते हैं और इस समय इनके लगन में भी मंगल की स्थिति होगी, तो इनको कोई सेहत संबंधी कोई परेशानी रह सकती है। सेहत का ध्यान रखेंगे तो कोई ऐसी बड़ी परेशानी इनकी नहीं रहेगी।
काम कारोबार के जो हालात हैं वो इनके सामान्य रहेंगे, उसमें कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं रहने वाली है। चलिए, तो हमने मयंक शर्मा जी से जाना कि जो सूर्य का जो राशि परिवर्तन है, सूर्य का नीच होना लेकिन उसकी उच्च की दृष्टि 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेगी। लेकिन मयंक जी, जाते जाते जिनको जहां आपने बताया कि भाई सूर्य का उन पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा नकारात्मक, उनके लिए कोई एक विशेष उपाय? देखिए, हाँ, ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं। रविवार के दिन आप क्या कर सकते हैं, गुड़ का दान कीजिए, 1.25 किलो गुड़ का दान कीजिए, या अपने वजन के बराबर गेहूं तुलवा कर उस गेहूं का दान कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। या 1.25 किलो गेहूं दान कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं कर सकते। आदित्य स्त्रोत का पाठ करें या ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप डेली 11 बार करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। और अपने पिताजी का, अपने दादाजी का आशीर्वाद लेंगे तो हमेशा ही शुभ फलों में आपकी वृद्धि रहेगी। चलिए, इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।